बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के रूप में रानी गौतम ने किया नामांकन। रानी गौतम पत्नी अशोक कुमार ने नगर पंचायत रनिया से किया नामांकन। हाथी वाले खाने पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। रनिया में उत्पन्न प्रदूषण को दूर करना और पहली बार बनी नगर पंचायत में विकास कराना ही प्राथमिकता। जनपद कानपुर देहात के तहसील अकबरपुर में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के रूप में नगर पंचायत रनिया से रानी गौतम पति अशोक कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। रानी देवी के पति अशोक कुमार ने बताया कि नगर पंचायत रनिया पहली बार बनी है, वहाँ पर अनेकों समस्याएं है। सबसे पहले तो फैक्ट्री एरिया बनी हुई है जहाँ से गंदा पानी पूरे कस्बे को दूषित करता है और वहाँ से निकलने वाला धुआं पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इसके साथ ही कस्बे में साफ सफाई की बहुत सारी समस्याएं और बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अतः हम सारी समस्याओं का निदान करेंगे यदि हमें रनिया की जनता सहयोग करती है तो मैं अपने वादों पर खरा उतरूंगा। उक्त मौके पर मान सिंह, सुमन देवी, दयाराम, सोनू, सुरेश, संदीप, आकाश आदि सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ वेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। आपका कहाँ से आपके चुनाव लड़ा? रनिया नगर पंचायत अशोक कुमार गौतम। आप यहाँ से जब चुनाव लड़ रहे हैं जी सर, तो क्या समस्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ से रनिया नगर पंचायत में प्रदूषण, गंदा पानी और फैक्ट्रियों से गंदा पानी चुमनी है, उससे धुआं निकल रहा है, उसको निजात दिलाने के लिए हमने नगर पंचायत रनिया से चुनाव चेयरमैन प्रत्याशी रानी गौतम को चुनाव में उतारा है। ये सारी जानकारी करके अपने नगर पंचायत को हर वार्ड को देखते हुए अपने उम्मीद नगर पंचायत के गंदे सड़कें हैं, नाली है और गंदे का काम जो भी है उसको अलग कराना है।